धूम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। आई थिंक आप लोग सब तैयार हो गए, तो लाइक जरूर कर देना सेशन को भाई, है ना, प्यार से लाइक कर देना। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को शुरू करते हैं, विजुअलाइज कराता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो भैया, ऐसा है कि डोल्टन भाई साहब ने कहा था कि जो एटम बेसिकली इंडिविजुअल पार्टिकल है किसी भी मैटर का, लेकिन ये सच तो नहीं था, सच नहीं था। उसके पीछे पीछे के लॉजिक और रीजन ये थे कि एटम को आपने फर्दर डिवाइड कर दिया था, है ना, आपने एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया था। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम के, सो एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें नाम क्या था, एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम था प्रोटॉन और तीसरे का नाम था न्यूट्रॉन। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को सर जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में डिस्कवर रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन को, मैं अपनी स्टेटमेंट को ढंग से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसकी डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है कैसे क्या किया, बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म सेशन देखें तो उसमें मिल जाएगा। मजे की बात बताता हूँ, सर जे जे थॉम्सन का स्टूडेंट थे रदरफोर्ड और रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे जेम्स चैडविक, मतलब एक दूसरे के स्टूडेंट थे ये। और तीनों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब अपनी अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इनके बारे में। तो अगर आप लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो वो सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब से हुई थी, ये तो आपको पता ही है। कैथोड रे ट्यूब से हम जो सर जे जे थॉम्सन है उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली डिस्कवर किया था। हुआ कुछ यूं था, एंशियंट टाइम पे सब लोग बोलते, जब बिजली चमकती थी तो सब बोलते थे कि भैया ये जो बिजली का बिजली जो चमक रही है बेसिकली वो भगवान नाराज हो गए हैं, तो ऐसा करके वो लोगों को डराया करते थे। तो ये लोग जो नास्तिक थे, जो साइंस में बिलीव करते, वो कहते हैं भैया ये सब फालतू बातें हैं, और ये जो ऊपर ये जो बिजली चमक रही है उसको हम लोग अपनी लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइनली सीआरटी को बनाया गया, और यहाँ से कैथोड वेव्स निकली, और जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाला फिनोमिना लैब में भी करवाया गया। बाद में पता लगा कि कैथोड से जो रेज निकल रही हैं और एक्चुअली वो क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है, जिनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो फाइनली इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधी एक ही बात जान लो आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हमारे सर जे जे थॉम्सन ने। फिर आती है प्रोटॉन की बारी, प्रोटॉन को भी क्या किया। जरा आप देखो एटम कंप्लीटली क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट प्रोटोन का आया कहाँ से। देखो एटम होता है न्यूट्रल, और अगर आप सर जे जे थॉम्सन बोलते हैं कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके बराबर मात्रा में प्रोटॉन भी होने चाहिए। लेकिन ना अगर हम लोग बोले कि जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसे प्रूफ किया गया था, तो प्रोटॉन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उनके प्रूफ नहीं किया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। एक यू नो एक 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 होल वाली यहाँ पर एक होल वाली क्या की गई थी, इलेक्ट्रोड को लगाया गया था, एक होल वाले इलेक्ट्रोड को लगाया गया था। तो कैथोड से जो वेव्स, जो रेज निकल रही थी, तो वो अंदर वाले पार्टिकल से इस एयर के पार्टिकल को टकराती थी, टकराने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन को वो बाहर फेंक देती थी। तो पीछे क्या होता था, पीछे प्रोटॉन, भाई ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे हीलियम लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस में आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर किसी की टक्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पीछे प्रोटॉन बचेगा, तो बेसिकली एच प्लस को ही प्रोटॉन कहा जाता है, और प्रोटॉन की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और यहां से एच प्लस के जो एलिमेंट थे वही जा रहे थे कहां पर, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव वाले कहां जाएंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो बस वही नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो कि कैसे थी, छेद वाली, होल्स वाली एक प्लेट ली गई थी, तो वहां से हमें वो, और वो प्लेट जो थी वो चमकने लग गई थी। तो वहां से, पर उनको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सके थे, ओवरऑल प्रोटोन की कोई एग्जिस्टेंस की प्रूव नहीं है, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और एटम न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन के एग्जिस्टेंस को आपको मानना पड़ेगा। बट ओवरऑल प्रोटॉन के लिए भी सीआरटी को यूज किया गया था, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और जिसको प्रूव एक्चुअली न्यूक्लियस में होता है, किसने प्रूव किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी बहुत ही लाजवाब थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बेसिकली जेम्स चैडविक ने की थी। हालांकि वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर रहा था, वो अल्फा पार्टिकल से बचने का कुछ जुगाड़ ढूंढ रहा था। बट जब बहुत रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन किसी भी मेटल की प्लेट पे डाल रहे थे, तो उस मेटल की प्लेट से एनर्जी को गेन करने के बाद, मतलब वो वेव से एनर्जी को गेन करने के बाद, ये जो बेरिलियम के जो पार्टिक बेरिलियम की जो मेटल प्लेट थी, तो कुछ पार्टिकल को बाहर फेंक रही थी। अब वो जो पार्टिकल थे बेसिकली, वो ना तो
पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे, नहीं नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो उनको एक नाम दिया कि भैया एटम के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, तब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्टमेंट की वजह से न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई, ऐसे कुछ नहीं था कि हम लोगों को न्यूट्रॉन डिस्कवर करना था। तो ओवरऑल तीन पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पूछा गया भैया इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, तो ये एटम के अंदर रहते कैसे हैं? जैसे आपको बोले कि आपके घर के अंदर कितने भाई बहन है, तो बोले कि मम्मी है, पापा है और मैं हूं, तो तीनों लोग रहते कहाँ हो? तो वैसे ये सवाल उनसे भी पूछेंगे, भैया इलेक्ट्रॉन किधर रहता है, प्रोटॉन किधर रहता है, न्यूट्रॉन किधर रहता है? तो सबसे पहले ये सवाल पूछा गया था सर जे जे थॉमसन से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने बोला, उनके हाथ में क्या था उस टाइम पे, वो शायद तरबूज खा रहे होंगे, तो तरबूज खाते खाते उनसे पूछा कि हाँ अंकल जी, ऐसा राजस्थानी बोलते हैं ना, हाँ अंकल जी थे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करियो, थे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करियो, तो बता दो इलेक्ट्रॉन कटा रहे राजस्थानी आप लोगों के सर क्या हो गया। तो बेसिकली क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया सर जे जे थॉमसन ने, तो उनसे सवाल पूछा कि भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं, तो वो तरबूज खा रहे थे उस टाइम पे रेडी पे खड़े खड़े, तो उन्होंने तरबूज को देखा और तरबूज को देखते हुए बोले कि भैया देखो ऐसा तरबूज के जैसा होएगा। तो तरबूज में क्या होता है, तरबूज अगर आपने देखा वाटरमेलन, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, सो इन दैट केस बोला जो तरबूज के जो बाहरी पार्ट होता है हरा हरा, उसको बोला वो न्यूट्रॉन की परत है। ठीक है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं बेसिकली, वो जो बीज है काले काले, उनको क्या बोला उसने, उनको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड कलर की पल्प पल्प होती है बोला कि वो प्रोटॉन है। और काफी काफी सालों तक ये मॉडल जो है, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, केक पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ऐसा देखो ऊपर की लेयर है उसको उसने बोला कि भैया न्यूट्रॉन है, अंदर की व्हाइट ये जो येलो लेयर है उसको बोला कि ये तो भैया प्रोटॉन है, और ये जो आपको छोटे छोटे से यू नो चकी चिप्स दिख रहे हैं ना, चॉकलेट चिप्स, तो उनको बोला कि इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल काफी सालों तक चला, लेकिन ये गलत था। इसको गलत साबित किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड कहता है फालतू की बकवास है, हालांकि वो ये कहना नहीं चाहता था कि ये फालतू की बकवास है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट उसके स्टूडेंट कर रहे थे उसके बाद जो कंक्लूजन निकल गया वो धांसू था। बेसिकली रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट भी यही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल है उनसे बचे कैसे। तो उन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया था, ये लेड का एक बॉक्स था और वहां से कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्टमेंट हो रही थी, एक गोल्ड की फॉइल उन्होंने लगाई थी। बाद में पता लगा कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो सीधे ही निकल गए, कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो आपका एटम है वो मतलब बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है उसमें, क्योंकि कोई चीज सीधे निकल जाएगी इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है एटम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जे जे थॉमसन तो पागल बना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भैया ये तो पूरा तरबूज के जैसा है, जबकि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यहाँ पता ऐसे लग रहा था कि भैया सारे पार्टिकल तो सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब एटम का जो बहुत सारा एरिया वो एम्प्टी है, लेकिन कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे थे इस तरह से, और कुछ पार्टिकल क्या थे, कुछ पार्टिकल बेसिकली पूरे 180 डिग्री से घूम के वापस आ रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उनको लगा कि यार ये क्या है। तो तब उनको समझ में आया कि भैया फाइनली उन्होंने कहा कि पूरा एटम वैसे तो खाली है, लेकिन उसके बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसका एरिया बहुत कम है, ठीक है, और वो एरिया वो जगह कुछ ऐसी है कि उसमें पूरे प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, और वो मासी भी बहुत है। मासी मतलब वो हिंदी वाली मासी नहीं, इंग्लिश वाली मासी, मासी मतलब उसमें टोटल एटम का मास लाई करता है। तो बोला वो बहुत ज्यादा मासी है, तो जो भी पार्टिकल इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब वापस घूम के आ जाएगा। तो तभी उन्होंने बोला कि भैया देखो एटम पूरा खाली होता है, लेकिन उसके सेंटर पॉइंट पे एक न्यूक्लियाई होता है, और उस न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो तब जाके उन्होंने बोला कि भैया प्रोटॉन किधर रहते हैं, न्यूट्रॉन किधर रहते हैं, वो न्यूक्लियाई के अंदर रहते हैं, रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन और बोले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ घूमता है, ये ऐसे ही घूमता है जैसे कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल दिया। पहले तो एटम को गोल क्यों बताया, तो गोल इसलिए बताया कि सूरज गोल होता है, नेचुरली जो भी चीज होती है वो गोल होती है, सूरज गोल, चंदा गोल, समझ में आ रहा है, धरती गोल, तो एटम भी गोल, समझ में आ रहा है, पहली चीज तो ये बताई। दूसरा, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर वैसे ही काटता है जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काटती है एक ऑर्बिट के अंदर। तो यहाँ पर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट निकल के आया, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, ये सब ह्यूमन माइंड से निकली हुई चीजें हैं, आ रहा है समझ में, ये सब सोच है, अंदर जाके तो किसी ने देखा नहीं है, बट हाँ जैसे ब्रह्मांड में होता है, मतलब मैक्रो लेवल पे जो हो रहा है वही माइक्रो लेवल पे हो रहा होगा ऐसा बोला गया। लेकिन रदरफोर्ड का जो बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया, क्यों, क्योंकि उसने सब वहां पर बोहर साहब बैठे थे, जब रदरफोर्ड ये सब बातें बता रहा था तो बोहर ने बोला कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और ये एक चार्ज बॉडी है जो कि प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रही है, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करना शुरू नहीं कर देगा,
तो वो क्यों बोला, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के रिस्पेक्ट में जब मूव करती है तो वो एनर्जी को रिलीज करती है। तो ये कह रहा था कि प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा? समझ में आता है? तो तुम्हारी थ्योरी तो गलत हो गई। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तब रदरफोर्ड ने हार मान ली थी। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले न्यूक्लियस नाम किसने दिया था, कि न्यूक्लियस टाइप की कोई चीज होती है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है, तो वो रदरफोर्ड साहब थे। ठीक है, फाइनली यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे ओवरऑल। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि प्रोटोन के मास, तब तक मास वास सब कैलकुलेट कर लिए थे। प्रोटोन का मास निकल गया था 1.6 × 10⁻²⁰ kg। जरा आप मास को ध्यान से देख लो। न्यूट्रॉन और प्रोटोन के मास में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं 1.6 × 10⁻²⁰। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से 1000 times कम होता है, यानी कि 9.11 × 10⁻³⁹। ये तो आपने पढ़ा होगा, 9.1 × 10⁻³⁹ ये इलेक्ट्रॉन की मास होती है। अगर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज निकल के आया था इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने, किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था मिलिकन ने, मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज निकाला गया था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन माइनस का। तो प्रोटॉन पे क्या होगा? प्लस का। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो जीरो। तो इस हिसाब से रिलेटिव मासेज और रिलेटिव चार्ज निकाले गए। तो आपको बता देता हूं, आप लोगों को रिलेटिव मास याद रखना है, वो सब फिजिक्स के लिए होता है। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज कितना होता है? देखो, रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड -1। ये कैसे निकाला? आप इसी नंबर से इसी को डिवाइड कर दो। ये कॉमन नंबर ले लो, 1.6 × 10⁻¹⁹ से सबको डिवाइड करो। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा -1, रिलेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है +1 और न्यूट्रॉन पे रिलेटिव चार्ज होता है 0। इसी तरह से रिलेटिव मास भी निकाले गए। रिलेटिव मास कैसे निकालोगे? सेम जो नंबर लिया ना आपने, ये वाला 1.6 × 10⁻²⁷ से सबको डिवाइड करो। इस हिसाब से अगर देखोगे तो प्रोटोन का रिलेटिव मास आएगा 1, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास आएगा 1, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो 1000 गुना छोटा है और वैसे भी नंबर बहुत छोटा है, तो उसको 0 बोल दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0 होता है, प्रोटोन का रिलेटिव मास 1 होता है, न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होता है, प्रोटोन के ऊपर प्लस का 1 होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 होता है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखोगे। रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास आपको केमिस्ट्री में काम आते हैं, बाकी सारी चीजें आपको फिजिक्स में काम आती हैं, कुछ ज्यादा यहां काम नहीं आएंगी केमिस्ट्री के अंदर, सिर्फ इस चैप्टर में काम आएंगी। तो फाइनली आपको पता लग गया। अब हम थोड़ी थोड़ी और चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे कि मास नंबर क्या होता है। तो आपको पता है भी, किसी भी एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी एटम के तीन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां पर किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबर लिखे जाते हैं, ऊपर एक नंबर लिखा जाता है और एक नीचे नंबर लिखा जाता है। तो जो ऊपर नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं मास नंबर, इसी को क्या बोलते हैं? मास नंबर। जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। जैसे कि हीलियम के ऊपर लिखा है 4, नीचे लिखा है 2, तो 2 उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और 4 उसका मास नंबर है, ये आप लोग याद रखोगे। तो अगर कोई पूछे कि भैया यहां पर बताओ कि हीलियम में 4 और 2 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे हीलियम के अंदर? 2, और न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होने चाहिए, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसी निकाली जाती है? यहां से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। मास नंबर कितना है? 4, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 बचेगा, वही है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां पर अगर आपको कभी न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना, ए में से जेड को हटा देना, बात खत्म। ए में से जेड मतलब ए, मास नंबर को लिखा जाता है ए से, एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है जेड से, तो ए में से जेड को, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देना, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं भैया आइसोटोप का, छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेंगी क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप को मैं बोलता हूं भाई बहन, भाई बहन मतलब सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे कि हाइड्रोजन की सिबलिंग 3 होते हैं, हाइड्रोजन 3 भाई बहन है, ठीक है। इसको एक को बोलते हैं हाइड्रोजन, दूसरे को बोलते हैं, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटियम। दूसरे को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं ट्रिटियम। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो यहां पर आइसोटॉप्स में फर्क ये होता है कि इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम, बट इनके जो मास नंबर होता है, मास नंबर वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में फर्क क्या है? तो इनमें फर्क ये है कि यहां पर इनके मास नंबर अलग अलग है, ये एक कहलाता है H1, दूसरे कहलाता है H2 और तीसरा कहलाता है H3। इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, नीचे भी 1 आएगा, यहां पे भी 1 आएगा और यहां पे भी 1 आएगा। तो आइसोटॉप्स का मतलब ये होता है कि इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार की क्या खेल होती है? इनमें आपके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, जस्ट उल्टा ले लो, एंड मास नंबर यहां पर क्या होता है?
मास नंबर यहां पर सेम है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मास नंबर तो यहां पर सेम है जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो यहां पर जैसे एग्जांपल के तौर पे आइसोबार में ऑर्गन पोटेशियम एंड यहां पर कैल्शियम, अगर आप देखोगे तो सबके मास नंबर 40 है, तो यहां पर भी 40, यहां पर भी 40, यहां पर भी 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, तो इनको आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मालूम पड़ गया। अब हम चलते हैं आगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एक होता है आइसोटोन्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है, वो है नहीं, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे, चलो मैं आपको बता ही देता हूं, यहां पर नहीं दिया हुआ। एक और टर्म होते हैं जिसको बोलते हैं आइसोटोन्स, क्या बोलते हैं लिख लो आप लोग, आइसोटोन्स, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। कैसे निकालोगे? जैसे कि आप कार्बन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। कार्बन का एक आइसोटोप होता है जिसका मास नंबर होता है 14, ठीक है, मास नंबर 14 होता है आइसोटोप, और ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। तो अगर मैं बोलूं यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो तो यहां पर भी कितने आएंगे 8, यहां पर भी कितने आएंगे 8, इनटू क्या बोलते हैं आइसोटोन, इनको बोला जाता है आइसोटोन्स, क्या कहा जाता है आइसोटोन्स, है ना, सबको समझ में आया। अब हम बात करते हैं बोहर के मॉडल की, लेकिन बोहर के मॉडल को समझने के लिए कुछ चीजें समझने की जरूरत है जिसको बोहर ने क्या किया, अपनी थ्योरी का पार्ट बनाया, बिना उसके समझ में उसको नहीं आती। पहली चीज तो ये है कि बोहर मॉडल एक्चुअली बोहर का जो मॉडल है उसने किस चीज को कंसीडर किया था, लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब लाइट में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और एक्चुअली क्योंकि वेव नेचर होता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़ के, ठीक है, लाइट किस तरह से एमिट हो रही है उसके वेवलेंथ को पढ़ के स्पेक्ट्रल लाइन बनाई, स्पेक्ट्रल रिजल्ट से उसने बोहर ने अपना मॉडल दिया। तो बेसिकली यहां पर बोहर ड्यूअल नेचर पे बिलीव करता था, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब इन वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो वेव नेचर का मतलब समझो, वेव नेचर का मतलब यह है कि कोई भी पार्टिकल, आप, मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब वो आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ एक वेव को निकालेंगे, उसको वेव नेचर कहते हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर एक, यहां पर कहने का मतलब यह है कि इस पूरी यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मास है उसके पास वेव नेचर भी होएगा, मतलब वो कोई ना कोई चलते हुए कोई ना कोई लैम्डा यानी कि वेवलेंथ को प्रोड्यूस कर रहा है। आप भी चलोगे ना, आप भी वेव प्रोड्यूस करोगे, लेकिन उसकी लैम्डा इतनी कम होती है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देती है, हमारे विजिबल रेंज में आती ही नहीं है, वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए वो महसूस ही नहीं की जा सकती। आ रहा है समझ में? तो अगर आप लोग देखोगे तो किसी भी वेव की, वेव जो होती है, कोई भी वेव होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले लेते हैं, उनका कुछ ना कुछ वेव लेंथ होता है, तो उसको वेव नेचर बोलेंगे, जिसका वेव लेंथ होगा, जैसे कि विजिबल जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी वेव लेंथ कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। आप 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में देख सकते हो, या फिर 4000 से 7000 आर्मस्ट्रांग तक देख सकते हो, ठीक है। तो देखो जिसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, जरा आप चेक करो, यहां पर जो बैंगनी पर्पल कलर आ रहा है ना, उसकी लैम्डा की वैल्यू कम है, और रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू हाई है, लैम्डा की वैल्यू बहुत मैक्स है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो काम आती है, अगर आप देखोगे तो 799 रेड की लैम्डा की वैल्यू मैक्स है, इसका मतलब उसकी पेनिट्रेशन एनर्जी मिनिमम होती है। आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे कि एनर्जी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, तो रेड की लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है लेकिन उसकी एनर्जी कम होती है। और ये विजिबल रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर तक हम लोग देख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अगर उसमें किसी भी, याद रखो, किसी भी पार्टिकल की वेव है तो उसके लिए लैम्डा डिफाइन जरूर होगा। लैम्डा का क्या मतलब होता है? लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ, क्योंकि वेव नेचर है तो वेव लेंथ तो होगी। पार्टिकल नेचर के लिए आप यहां पर किसी भी चीज की ड्यूअल नेचर को अगर डिफाइन करना है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन किया गया था। ब्लैक बॉडी क्या होता है बेसिकली? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि अगर आप इस पे लाइट फेंकोगे तो ये हर तरह की लाइट के लैम्डा को, हर तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ब्लैक बॉडी कहा जाता है। और सिमिलर चीज इसको हीट करने पर भी होता है, मतलब सिमिलर नहीं, इसको अगर हीट करोगे तो ये सिमिलर बाकी की जैसे ही होता है, वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी देखा कि लोहार को देखा, लोहार क्या करता है, लोहे को गर्म करता है। आपने कभी गौर किया हो, लोहा वैसे ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का डार्क होता है, ग्रे कलर का टाइप का होता है, लेकिन जब आप उसको हीट करते हो तो आपको रेड रेड कलर का दिखाई देता है, और ज्यादा हीट करोगे तो आपको ब्लू कलर का भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रेड कलर का क्यों दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अगर आप पूरी साइंस को पकड़ोगे तो आप कोई भी चीज को हीट करते हो ना तो वो हर तरह की रेडिएशन की लाइट बाहर निकलता है, हर तरह की वेवलेंथ की लाइट को बाहर निकालता है, लेकिन जो लाइट वो सबसे ज्यादा बाहर निकालता है वही हमें दिखती है।
तो अगर आपको आयरन रेड कलर का दिखता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि उस वेवलेंथ की लाइट वो सबसे ज्यादा इमिट कर रहा है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है जिसमें ये वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा इमिट हो रही है, इस वजह से यहां पर आपको रेड दिखता है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रेड कलर ही इमिट कर रहा होगा, वो सारी वेवलेंथ इमिट करता है। ऐसे ही आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है वो भी सारी वेवलेंथ इमिट करती है। इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था और ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने के लिए ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करने के लिए प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी थी, उसको हम लोग जरा समझे। प्लैंक ये कहता है, जनरल थ्योरी ये थी कि जो सन से रेज आ रही हैं वो सारी की सारी ना वेव नेचर रखती हैं, वो वेव की फॉर्म में आ रही हैं, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। जनरल थ्योरी ये थी कि वेव की फॉर्म में आ रही है। जब पार्टिकल नेचर आया तो प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक उनका नाम था, उन्होंने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, जो सन से एनर्जी के बंडल, सन से जो रेज आ रही है उनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के बंडल है जिनको फोटोन या क्वांटम कहा जाता है, और बहुत सारे बंडल को क्वांटा कहा जाता है, इसलिए उनकी थ्योरी को प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया। तो वे कहते हैं कि आप जब धूप में खड़े होते हो या आप धूप में खड़े हो तो जो सन से रेज आ रही हैं वो ऐसे नहीं कि वेव फॉर्म में एनर्जी लेके आ रही है, ऐसा नहीं है। उनमें छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स है जिनको क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। अब हर एक छोटे छोटे पैकेट के पास है ना अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा कि उस एनर्जी की वैल्यू होगी E=hν। न्यू माने फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं C/λ, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसी की स्पीड से आगे बढ़ती है। तो जो लेमडा की, सॉरी यहां पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो C/λ है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3×10^8, ये तो बोलते हैं m/s। ठीक है, लाइट की जो स्पीड है, और लेमडा क्या है, यहां पर लेमडा बेसिकली उस वेव का वेवलेंथ है, और C/λ की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और एच की वैल्यू को प्लैंक कॉन्स्टेंट कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626×10^-34। मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आगे बढ़ रही होती है तो वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट लेके चलती है, हर एक एनर्जी के पैकेट के पास इतनी एनर्जी होती है E=hν, समझ में आ गया। और अगर मान लो कि भैया तुम्हारे पास n मोल्स ऑफ, यहां पर अगर मान लेते टोटल नंबर ऑफ क्वांटा n है तो आप n से मल्टीप्लाई कर दो टोटल एनर्जी को निकालने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला फॉर्मूला जो आपको काम देगा, मतलब E=hν और न्यू का वैल्यू होता है C/λ। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत काम देगी आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में। फिर पार्टिकल नेचर को एक और चीज डिफाइन करती है जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, किसी भी मेटल की प्लेट पर, अगर आपने देखो हमें चैप्टर पूरा करना है, ध्यान से सुनना, जो सुनता जाएगा उसको आता जाएगा। किसी भी मेटल की प्लेट पर अगर आप लोगों ने किसी भी वेवलेंथ को यहां पर इंसिडेंट करवाया, ठीक है, जैसे ये हो रहा है प्रैक्टिकली आपको दिख भी रहा है, तो वहां से क्या होगा, वो एनर्जी को गेन करके वहां के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहां पर है ना फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही कहता है कि वहां पर अगर सन की रेज आ रही है और मेटल की प्लेट पे टकरा रही है और वहां से एनर्जी लेके जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो बेसिकली वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, क्वांटा की फॉर्म में। तो उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, E=hν। इतनी एनर्जी आप दे रहे हो, जो यहां से सनलाइट यहां से इसके ऊपर गिरा रहे हो उसमें टोटल एनर्जी जो भी है उसके अंदर वो है E=hν। अब ये जो एनर्जी, ये एनर्जी के जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है, आ गया समझ में। तो मतलब ये है कि जो एनर्जी आप सनलाइट की फॉर्म में, मतलब जो एनर्जी उनके पास है वो सनलाइट की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को जो मिल रही है वो दो काम आएगी, पहला तो भैया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दूसरा उसको दौड़ने में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको ऐसे समझ सकते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो ना आपका दोस्त घर पे है होली के दिन और वो बाहर नहीं निकल रहा, तो तरीका क्या है, एक तो बोले ओ सुन, समझ में आ रहा है, तो ऐसा करोगे ना सुन बाहर आ, तो सुन बाहर आ तुझे, मतलब ऐसा प्यार से बोलोगे तो सुन बाहर आ, तो खिड़की तक तो वो आ ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप उसको खिड़की तक लेके आ गए, मतलब उसकी शक्ल आपने देख ली, तो और पर अगर उसको साथ में आपने थोड़ा सा अपने दोस्तों यारियों में चलता है गाली दे दोगे तो वो आपके पीछे भी दौड़ेगा, या फिर आप मान लो ओ सुन बाहर आ और आपने एक गुब्बारा लिया, कौन सा वाला, कलर भरा हुआ, और दिया उसके मुंह पे खिंचा के, तो क्या होगा, पहले तो बोला ओ सुन बाहर आ तो खिड़की पे आ गया, और फिर आपने ना खिंचा के उस पर गुब्बारा मारा तो आपके पीछे भी दौड़ेगा। तो सेम चीज यहां पे भी होती है, मतलब ये है कि आप जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो उसके पास कितनी पावर है, क्या सिर्फ उसके पास सिर्फ बाहर निकालने की पावर है या फिर पीछे दौड़ाने की भी पावर है। तो बेसिकली जो भी आप एनर्जी देते हो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो खिड़की पे शक्ल दिखाएगा वो, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, समझ में आ गया, मतलब सिर्फ वो बाहर आएगा, और एक दौड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी।
तो आप जो भी एनर्जी यहां पर इंसिडेंट हो रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला तो वर्क फंक्शन यानी कि सिर्फ बाहर निकलेगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया, ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का टोटल इक्वेशन। अच्छा ई की वैल्यू क्या हो गई भाई, जो लाइट आपने इंसिडेंट करवाई एच न्यू, और वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई दैट इज एच न्यू नॉट। समझ में आ गया, इसको न्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी लेके वो बाहर आएगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर दोनों की वैल्यू रख दें तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, आप ई की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू रख दो तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, एच कॉमन निकल जाएगा, तो म्यू माइनस म्यू नॉट ये काइनेटिक एनर्जी है, जो कि किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल ये तरीका होता है कि जब भी कोई लाइट आप इंसिडेंट करवाते हो तो उसमें होती है एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू होती है एच न्यू, वो दो काम आएगी, एक उसके वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी यानी कि बाहर मुखड़ा दिखाएगी, दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, हाफ एम बी स्क्वायर वो होती है। तो इस तरह से आप इसको फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को समझ सकते हो, समझ में आ गया। तो ये मतलब निकलता है फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का, और यहां से आपको ये भी पता है कि फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, देखो जब आप वेव डाल रहे हो तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वही दिखाएगा जिसके अंदर पार्टिकल नेचर होएगा। तो बेसिकली पार्टिकल नेचर को और पुख्ता प्रूव करता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और ये उसकी इक्वेशन होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं एविडेंस फॉर क्वांटाइज एनर्जी लेवल। अब यहां से चीजें ना जो थोड़ी और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी, जो बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट में काम ली थी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की थी, वो आपको समझनी है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम कितने तरह का होता है। देखो स्पेक्ट्रम का पहले मतलब क्या होता है, अगर आप प्रिज्म देखे हो, आपने कभी प्रिज्म देखा, उस पर जब आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हो तो आपको सारे कलर बाहर निकलते दिखते हैं, ठीक है, तो वो जो कलर निकल रहे हैं बेसिकली उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर उसमें सारे कलर कंटिन्यूअस हैं, कोई भी कलर गायब नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब उसमें हर वेवलेंथ की वेव हो तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन मान लो कि यहां पर कुछ जो कलर्स है वो गायब हो गए, थोड़े बहुत कलर गायब है, थोड़े बहुत, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब कुछ कलर ही गायब कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। आपको पता है एक बात बताता हूं, कोई भी बॉडी, जैसे मुझे ले लो, मेरी स्किन अभी आपको कैसी दिख रही है, मेरी स्किन आपको थोड़ी सी स्किनी यानी कि ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर की दिख रही है, किसी की डार्क ब्राउन दिखती होगी, कोई बहुत ही गोरा चिट्टा दिखता होगा, जैसे हमारे पुलकित सर बहुत गोरे चिट्टे हैं और हम तो गोरे चिट्टे नहीं है। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आपको मेरा ये स्किन का कलर क्यों दिख रहा है, उसका रीजन क्या है, मे भी हो सकता है ये मैं इससे भी डार्क कॉम्प्लेक्शन हूं, मुझे रियलिटी में देखो हो सकता है मैं और भी ब्राउन कलर का हूं, लेकिन अभी आपको मैं ये क्यों दिख रहा हूं, कारण क्या है कि जो लाइट मेरी स्किन के ऊपर पड़ रही है वो यही कलर रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी वेवलेंथ की कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको सिर्फ यही कलर दिख रहा है। समझ में आ गया, तो हर एक बॉडी पे जब भी कोई लाइट पड़ती है तो तीन तीन चीजें होती है उसके साथ, या तो पूरा लाइट को किसी कई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, कई को रिफ्लेक्ट कर देता है, कई को रिफ्रेक्ट कर लेता है, अपने अंदर से जाने देता, तो तीन तरह की चीजें उसके साथ हो सकती है। तो अगर वो सारी की सारी लाइटें शो कर रहा है तो उसको कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कुछ एक लाइट गायब है तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि कुछ वो ले गया। मान लो कि कुछ ही लाइटें दिख रही हैं, मतलब आप अगर इस स्पेक्ट्रम में देखोगे तो आपको एक लाइन बैंगनी, एक लाइन नीली, एक लाइन हरी और एक लाइन लाल दिख रही है, इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया, तो बेसिकली कुछ ही वेवलेंथ वाली लाइट्स को वो इमिट कर रहा है भाई साहब, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर ली। ब्लैक बॉडी जो होती है वो तो सब चीज, आपका ब्लैक होल जानते हो, ब्लैक होल आपने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा, ब्लैक होल में कोई भी लाइट पास ही नहीं होती है, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, ठीक है। सो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। और बेसिकली जब बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को लिया था, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम की स्टडी उसने की थी और अपना क्या किया था, एक स्पेक्ट्रम की लाइन्स बनाई थी। तो उन लाइन्स का नाम क्या था, देखो उसने क्या किया, जब ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनसे जब कोई भी लाइट पहले वाले ऊपर वाले जितने भी शेल्स हैं यानी ऑर्बिट है उसमें से अगर सारी लाइट्स या सारे इलेक्ट्रॉन सीधे पहले वाले पर गिर रहे हैं तो उस सीरीज को लाइमन सीरीज बोला था। और जब उसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन करी गई थी तो वो वेवलेंथ आ रही थी यूवी वेव। तो लाइमन सीरीज में जो लाइट्स इमिट होती हैं वो यूवी रेज की होती है, यूवी, ठीक है, लैम्डा उनका यूवी रेज में आता है।
जब ऊपर से सेकंड वाले, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, ऊपर से सेकंड वाले शेल पर गिर रहा था, सेकंड वाले ऑर्बिट पे गिर रहा था लाइंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे जो लाइट इमिट हो रही थी वो विजिबल रे में आ रही थी। समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जितनी भी ले लो, पाश्चन सीरीज, इसको बामर सीरीज कहते हैं, बामर सीरीज विजिबल होती है, लाइमन सीरीज यूवी होती है, और उसके ऊपर जितना भी जाओगे पाश्चन ब्रैकेट पीफूंड, ये जितने सारे सारे इंफ्रारेड थे। तो यहां पर आपको ज्यादातर तीन ही लाइनें दिखाई दे रही है, एक तो लाइमन सीरीज में यूवी रेज, एक विजिबल रे और एक आईआर, ठीक है, तीन के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा। तो इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये लाइन स्पेक्ट्रम यूज करके ही बोहर ने अपने सारे रिजल्ट दिए थे। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली यहां पर इंफ्रारेड विजिबल यूवी रेज, ये रेज ही बाहर निकल रही थी लाइन स्पेक्ट्रम को डिजाइन करने के बाद बोहर ने अपने सारे रिजल्ट निकाले। तो आप लोग याद रखना है कि भैया लाइमन सीरीज में जो जो ऑर्बिट होता है जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं वो वन होता है, और वहां पर अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। बामर सीरीज में नंबर टू पर आके इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, विजिबल रेज होती हैं। पाश्चन में नंबर थ्री पर आकर गिरता है और इंफ्रारेड होता है। ब्रैकेट में नंबर फोर पे आके गिरता है और ये भी इंफ्रारेड होता है। पी फंड में नंबर फाइव पे आके गिरता है और ये भी इंफ्रारेड होता है। तो इस तरह से इंफ्रारेड रेज नीचे, बस उसके बाद तो इंफ्रारेड ही है। तो तीन तरह की आपको वेवलेंथ वाली वेव दिख रही है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इसी पर से सवाल आ जाता है, लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट पीफोन, कौन सा उनका ऑर्बिट नंबर होता है? ये है स्पेसिफिक ऑर्बिट नंबर। एक पर गिरेगा तो लाइमन, दो पे गिरेगा तो बामर, तीन पे गिरेगा तो पाश्चन, चार पे गिरेगा तो ब्रैकेट, और पांच पे गिरेगा तो पीफोन। अल्ट्रावायलेट दिख रही है तो लाइमन, विजिबल दिख रही है तो बामर, नियरली इंफ्रारेड है तो पाश्चन, मिड इंफ्रारेड है तो ब्रैकेट, और फार इंफ्रारेड दिख रही है तो पीफन। अब उसके लिए आप, उन्होंने क्या कहा था, कुछ रिलेशंस भी निकाले थे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद कर लो कि वन अपॉन लैम्डा ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल निकालने में। इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये होता है एटॉमिक नंबर की स्क्वायर, उसके बाद वन अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां गिरा है, माइनस वन अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, कहां से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये कहता है कि उसकी आप वेव लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, वन अपॉन लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई होती है, अगर आप चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, 1.0967 इंटू 10^7 मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। मीटर इनवर्स क्यों आया, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा लिखा हुआ आपने। आया सबको समझ में? अब हम लोग इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी मोटी स्टडी बोहर को समझने के लिए जरूरी थी, अब हम चलते हैं यहाँ पर बोहर के मॉडल को समझते हैं। स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ देख लिया आपने, ठीक है, अब एक वन अपॉन लैम्डा यानी कि वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी देख लिया आपने। नाउ विल सी बोहर मॉडल ऑफ एटम, ये क्या था जरा आप उसको देखो। देखो इसके कुछ पोस्टुलेट थे जो आपको समझने की जरूरत, पोस्टुलेट पे सवाल बहुत आते हैं। सबसे पहले तो उसने क्या किया था, रदरफोर्ड की बात को एज इट इज मान लिया था। उसने कहा था कि किसी भी एटम में न्यूक्लियाई होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियाई के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते हैं। समझ में आ गया? और ये ऐसे ही काटते जैसे कि सन सन के चारों तरफ अपने प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं। समझ में आ गया? और लेकिन उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। अच्छी बात क्या बोली थी, उसने कहा कि चक्कर तो वैसे ही काट रहे लेकिन वो एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ चक्कर काट रहे। मतलब उसने बोला सब कुछ फिक्स है, बोले एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स रेडियस के साथ, फिक्स एनर्जी के साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काट रहे। अगर सारी चीजें ही फिक्स हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं हो सकती। समझ में आ गया? आज भी आपको पता है, एक बात बताओ, हमारी धरती कितने सालों से, हमारी अर्थ कितने सालों से सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है? कभी आपने देखा है कि हम लोग धीरे धीरे सन के पास जा रहे हैं, एक दिन ये चक्कर काट रही है ना, तो एक दिन सन के पास जा रहे हैं, एक दिन सन के अंदर ही डूब जाएंगे, ऐसा कभी हुआ है? पिछले करोड़ों अरबों साल से तो नहीं हुआ, हमारी धरती यूनिवर्स बहुत पुराना है। तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा एटम में भी नहीं होता। मतलब यह है कि आप कभी देखना कि हमारी अर्थ का ऑर्बिट फिक्स है जिसमें वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है और वो फिक्स एनर्जी फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काटती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स रेडियस में फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर काटेगा तो वहां पर एनर्जी इमिट नहीं होगी। ये आंसर दिया उसने। और उसने एक मजेदार बात बोली, मतलब यहां पर जरा आप चेक करो, मतलब वो ये कहता है कि भैया देखो, हाँ फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, लेकिन अगर आप मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड की तो वो ऊपर एक्साइट होकर जा सकता है, मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट में जा सकता है जैसा दिख भी रहा होगा, और वापस से वो अगर नीचे आना चाहे तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे निकालनी भी पड़ेगी। और वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वही सेम एच न्यू। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है।
तो यहां पर सीन क्या है, यहां पर सीन है कि भैया इलेक्ट्रॉन एक्साइटो के ऊपर जा सकता है अगर एनर्जी मिल जाए, और डी एक्साइटो के नीचे भी आ सकता है, उतनी एनर्जी उसको रिलीज भी करनी पड़ेगी। आ गया समझ में? और एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, मान लो कि इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, उस ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, तो टोटल एनर्जी E2 तक जाने के लिए कितनी चाहिए, E2 - E1। मान लो मेरे पास 10 रुपए, मेरे को अमीर बनने के लिए कितने चाहिए, 1 करोड़ रुपए, तो टोटल 10 रुपए तो मेरी जेब में है, तो टोटल अब कितने रुपए चाहिए, 1 करोड़ - 10। आ रहा है समझ में? तो अगर उतना पैसा मिल जाता मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ऊपर चला जाऊंगा। आ रहा है समझ में? सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब चलते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट और जबरदस्त पोस्टुलेट उसने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि भैया यहां पर बोहर कहता है एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली वो, कहता है बोहर कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का जब उसने मास का स्टडी किया, वेलोसिटी का स्टडी किया और रेडियस का स्टडी किया, तो उसने ये पाया कि तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जिसको एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास, उसकी वेलोसिटी और उसके रेडियस का जब उसने मल्टीप्लाई करके चीजें देखनी चाही, तो किसके बराबर हो रहा था, h/2π के इक्वल आ रहा था। मतलब इसके कंप्लीट नंबर के बराबर आ रहा था। एन क्या है यहां पर, एन ए नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो कहता था कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो NH/2π के इक्वल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोहर पोस्टुलेट की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कहा जाता है, इसको बोहर क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है। आप ये याद रखना, ये MBR = NH/2π, ये सारी कैलकुलेशन बोहर ने दी थी, इसको बोहर क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, यहां से ही आप लोग वेलोसिटी, रेडियस सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है, एनर्जी, एवरीथिंग इज यू कैन कैलकुलेट विद दिस इक्वेशन। एंड देयर इज वन मोर इक्वेशन, बट दिस इज द मेन इक्वेशन जो कि उसने दी थी, इसको बोहर क्वांटाइजेशन, पोस्टुलेट में बोहर क्वांटाइजेशन भी कहा जाता है। MBR = NH/2π, और डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और यहां से जब रेडियस कैलकुलेट करी, तो रेडियस कैलकुलेट होके आ गई, कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है जिसमें वो चक्कर काटता है, किसी ऑर्बिट का रेडियस जिसमें वो चक्कर काटता है, उसके फॉर्मूला होता है N²/Z, और बाकी जो कांस्टेंट है इनकी जब आप वैल्यू रखोगे तो वो कितना आएगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो N²/Z इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो रेडियस निकल के आई थी वो N²/Z है, ठीक है, बाकी क्या आप वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे h² प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, मास की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रखो, जब सब रख दोगे तो फाइनली आपके पास रेडियस निकल के आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मेरे को याद है वैसे थोड़ा थोड़ा, जो nth ऑर्बिट का जो रेडियस था आई थिंक वो कितना था, 53 picometer, यस 53 N²/Z, देखा मेरी बुद्धि देखी तुम लोगों ने, इतना याद है, 53 N²/Z picometer, दैट इज अ फॉर्मूला यू कैन यूज टू कैलकुलेट The radius of any orbit, 53 N²/Z. N क्या है, यहां पर N है number of orbit, Z क्या है, Z है atomic number, ठीक है, 53 picometer क्या है, ये तो आपको पता है, 10⁻¹². ठीक है, ये रेडियस का फॉर्मूला निकला। इसी तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल दिया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला इतना याद करने की जरूरत नहीं है, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 × 10⁶ Z/N m/s, याद कर लो, काम आएगा, इसी से कैलकुलेशन होती है। अब एनर्जी के फॉर्मूले पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। nth ऑर्बिट में उसने बोला कि सब कुछ फिक्स है, एनर्जी भी फिक्स है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वो बोला कि एनर्जी का फॉर्मूला वेरी सिंपल है, वो कहता है ये वाला फॉर्मूला है, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो वो आएगा -13.6 Z²/N², ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लोगों को इसका आंसर याद रखना पड़ता है, बाद में उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूले थे जो बोहर ने निकाल के दिए, हमें उनके डेरिवेशन अभी नहीं देखने क्योंकि इतना समय नहीं है, बट ये फॉर्मूले बोहर ने निकाल के दिए, और अगर ये बोहर फॉर्मूले नहीं देता तो भाई साहब मतलब जघन्य अपराध हो जाता क्या, अच्छा होता कम से कम, बेड़ा पार होता आपका, ये चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, बट देखो कितनी मेहनत की है उस बंदे ने। देखो एक मजे की बात है, जो चीज देखो आप किससे इंप्रेस होते हो, आप उससे इंप्रेस होते हो जो चीज आपने कभी नहीं देखी वो आपको दिखा दे। आज तक किसी ने एटम को नहीं देखा, एटम को नहीं देखा तो उसके अंदर घुस के कौन देखेगा, तो बोहर ने क्या किया, बोहर इतना इंटेलिजेंट था कि अंदर घुस के उसने इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी पता कर दी, वेलोसिटी पता कर दी, रेडियस पता कर दी, कहां घूम रहा है भाई साहब, किसी ने एटम नहीं देखा आज तक, उसने सोचा बोला एटम छोड़ो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं, विजुअलाइज कराता हूं, तो मतलब बंदा जीनियस था, उसने काम किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम सुस्त क्यों हो इतने, चैट मुझे चैट तो दिख ही रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, देखो आपका दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं आगे, फाइनली
देखो बोहर के साथ है ना एक समस्या थी, बोहर का जो मॉडल था ना बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे एटम के लिए एप्लीकेबल था, मतलब वो हाइड्रोजन पे काम करेगा। वन इलेक्ट्रॉन मॉडल पे एप्लीकेबल था जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हीलियम प्लस उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लिथियम प्लस टू उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम प्लस थ्री उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होएगा ना बोहर का मॉडल उस पर काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि लिमिटेशन बोहर की ये थी कि उसका 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 जो मॉडल था वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसी पे काम ही नहीं करता था। अगर बोलूं हीलियम पे काम करेगा, नहीं। बरीलियम पे काम करेगा, नहीं। लिथियम पे काम करेगा, नहीं, क्योंकि इनके पास लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन है, बरीलियम के पास चार इलेक्ट्रॉन। आप तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दो बरीलियम में से तब काम करेगा, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तब काम करेगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उन स्पीसी पे काम करेगा, अदरवाइज बोहर का मॉडल काम नहीं करता था, क्योंकि उसने सिर्फ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था। समझ में आ गया? ऑर्बिटल जो सब सेल सब शेल सब ऑर्बिटल उनका कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। तो मतलब वो सारी चीजें जो है ना बेसिकली वो जितने भी फॉर्मूले उसने कैलकुलेट किए एनर्जी को छोड़ के बाकी फॉर्मूले फेल हो गए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ड्यूल बिहेवियर पढ़ते हैं मैटर का, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। डी ब्रोगली एक ऐसा आदमी था जो कि दोनों का दोस्त था। किस किस का दोस्त था? वो हेजनबर्ग का दोस्त था और सॉरी एल्बर्ट आइंस्टाइन का दोस्त था और साथ में प्लांक का भी दोस्त था। तो प्लांक ने तो नाम कर लिया, अपनी क्वांटम थ्योरी दे दी, भाई आइंस्टाइन का तो वैसे ही नाम था। तो डी ब्रोगली ऐसा था, सुस्त दोस्त था, बोले मुझे तो कोई नहीं जानता तो मैं भी कुछ करूं। तो उसने क्या किया ना, दोनों इक्वेशन को यूज किया। कौन सा? आइंस्टाइन की इक्वेशन थी ई स्क्वेयर टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? ई स्क्वेयर टू एम सी स्क्वायर। और इसी तरह से जो अपने प्लांक भाई साहब थे उनकी इक्वेशन क्या थी? एच न्यू। बोले है तो दोनों एनर्जी ड्यूल नेचर रखते हैं, हर एक मैटर का पार्टिकल ड्यूल नेचर रखता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, तो दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो उसने बोला ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये भी एनर्जी है, एच न्यू भी एनर्जी है, एच सी बाई लैम्डा भी एनर्जी है, दोनों को बराबर रख दो भाई, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और न्यू की वैल्यू क्या होती है? सी बाई लैम्डा, ये वैल्यू रख दूं तो यहां से ये कट गया। तो फाइनली यहां पर क्या निकल के आ रहा है, यहां पर लैम्डा की वैल्यू बाहर निकाली, लैम्डा इज टू एच अपॉन एम सी, ये इक्वेशन लेके चला गया। एम सी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, वो कहलाता है बेसिकली पी, यानी कि मोमेंटम। तो यहां पर ये इक्वेशन निकाल दी, लैम्डा इज टू एच अपॉन पी, ये बहुत ही बिंदास इक्वेशन निकाली, लेकिन उसने यहां पर सी रखा था। जब वो ये लेकर उसके पास गया, अपना क्या नाम था उस भाई का, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोला सी की जगह तू वी रख दे। तो जब तू सी की जगह वी रख देगा तो ये सारी जितने भी यूनिवर्स में बॉडीज हैं सब पे एप्लीकेबल होगा। तो फाइनली उसने बोला कि लैम्डा इज टू एच अपॉन पी, पी होता है, एच है हमारे पास प्लांक कॉन्स्टेंट, पी है हमारे पास मोमेंटम, और पी यहां पर क्या होगा, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। अब आप इसको किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, जब आपने वी की जगह सी लिखा हुआ था तब आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अप्लाई करते थे। तो बेसिकली ड्यूल नेचर होता है, यहां पर साफ पता लग रहा है किसी भी पार्टिकल का ड्यूल नेचर होता है, क्योंकि उसमें लैम्डा भी होता है और उसमें मास भी होता है। आप देखो मोमेंटम उसी के पास होता है ना जो पार्टिकल नेचर रखेगा, और लैम्डा उसी के पास होता है जो वेव नेचर रखेगा। तो लैम्डा इज टू एच अपॉन पी, ये इक्वेशन किसने दी थी? डी ब्रोगली ने, और डी ब्रोगली ने बहुत बड़ी समस्या खत्म कर दी थी। यहां पर एम बी आर इज टू एन एच अपॉन टू पाई, इसका प्रूफ नहीं मिल रहा था कि क्यों हो रहा है, ये डी ब्रोगली ने ढूंढ के दिया था, आइंस्टाइन ने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था, बट इक्वेशन बहुत काम की है जो आपको आगे काम आएगी। अब हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी समझो, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग इज अनसर्टेन, मेरी बात को समझना। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेने वाला था लास्ट सैटरडे को या लास्ट फ्राइडे को, लेकिन नहीं ले पाया, मेरा सब कुछ तय था, प्रोग्राम तय था, लेकिन नहीं ले पाया, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आई, कभी बरसात आई, कभी मेरी तबीयत खराब हो गई, समझ में आ रहा है? तो पर ये जो हमारे बोहर भाई साहब है वो क्या कहते हैं, बोहर भाई साहब ये कहते हैं कि भैया देखो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, वो कहता है कि जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स रेडियस के साथ और फिक्स एनर्जी के साथ, समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज फिक्स, मतलब ये हुआ कि अगर सब कुछ चीजें फिक्स है, अगर कोई आपको कह दे, सपोज करो कि अगर आपको कोई कह दे कि मैं हमारे प्रधानमंत्री एकदम फिक्स समय पे, मतलब फिक्स समय पे मतलब सुबह 8 बजे तुम्हारी गली के आगे से निकलेंगे, तो आपने क्या किया, और वो स्पीड भी बता दो किस स्पीड से निकलेंगे, तो तुम उनको जाके देख सकते हो, मालूम पड़ जाएगा ना कि कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे और कहां से निकलेंगे। जब एवरीथिंग इज फिक्स देन यू कैन मीट नरेंद्र मोदी जी, समझ में आ रहा है, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हो, तो वो तो होगी सारी फिक्स बात। लेकिन मान लो कल को मान लो कि भाई गलती से उन्हें कहीं जाना पड़ गया, या ऐसा मान लो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वॉट एवर, तो देर इज एन अनसर्टेनिटी ना, समझ में आ रहा है? मतलब मैं आज आया नहीं आया, मेरी कुछ मजबूरी हो जाती मैं भी नहीं आता, तो देर इज एन अनसर्टेनिटी लाए, समझ में आ रहा है? कि
भगवान पे भरोसा नहीं करने वाले कहते कि एवरीथिंग इज सर्टेन। हमारे आइंस्टाइन तो ये भी कहते थे कि भैया कोई मक्खी उड़ रही है, अगर उस मक्खी के उड़ने के पाथ को अच्छे से स्टडी किया जाए तो हम लोग ये बता सकते हैं कि मक्खी अब कहां जाके बैठेगी। लेकिन हेजनबर्ग कहता है कि भाई साहब थांबा, एवरीथिंग इज नॉट फिक्स्ड, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इस यूनिवर्स को कोई चला रहा है और वो किसी को नहीं पता, तो अपने आप को भगवान मत समझो। तो हेजनबर्ग कहता है भैया अनसर्टेनिटी हर जगह लाई करती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसने बोला कि हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही थी कि भैया बोहर भाई साहब थांबा, तुम कहते हो कि इलेक्ट्रॉन फिक्स वेलोसिटी से घूमता है, फिक्स रेडियस से घूमता है, फिक्स एनर्जी से घूमता है, तो मतलब ये कि मैं इलेक्ट्रॉन को पता कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन को देख सकता हूं। फिर तो आज तक तो क्यों नहीं दिखा इलेक्ट्रॉन, कभी सोचे हो तुम? क्योंकि अगर तुम मुझसे पूछो, मेरी बात अगर मुझसे पूछो कि मैं कहां रहता हूं, मैं बैंगलोर रहता हूं, तो क्या मुझे तुम बैंगलोर में ढूंढ लोगे? नो। अच्छा अब तुम्हें पता लग जाए कि मैं बैंगलोर में कहां रहता हूं, अच्छा मैं या तो वेदांतों के ऑफिस में मिलूंगा या मैं मेरे फ्लैट में मिलूंगा, अब तुम्हें दो चीजें पता लग गई। तो क्या मैं तुम्हें वेदांतों में या फिर फ्लैट में मिल ही जाऊंगा जब तुम आओगे? गारंटी तो नहीं है। तुम्हें मेरी रहने की जगह पता है, एवरीथिंग यू नो, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं मिलूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की तुम फिक्स वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस जो भी बता रहे हो, तुम कहते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन तुम आ जाके मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन आज तक तो ढूंढ लेना चाहिए था लोगों को, आज पता लगा लेना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं पता लगाया जा सका। समझ में आ रहा है? उसकी जगह को, उसकी वेलोसिटी और रेडियस को फिक्स बताने वाले लोग गलत थे। देयर इज एन एवरीथिंग इज अनसर्टेन। वो ये कहता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं कर सकते। मतलब वो ये कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के केस में, ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के केस में आप उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ पता नहीं कर सकते। यू कांट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मूवमेंट एट द सेम टाइम फॉर एनी इलेक्ट्रॉन, नहीं पता कर सकते आप। तो उसमें कितनी गलती करोगे? आप उसकी पोजीशन को पता करने में और उसकी मोमेंटम को पता करने में एटलीस्ट एच अपॉन 4 पाई, इतनी गलती तो करोगे ही करोगे। ये मिनिमम गलती है, उससे ज्यादा गलती भी हो सकती है। मतलब ये कह दिया कि मैं 9 बजे आऊंगा, फिक्स नहीं है, 9 बज के 1 सेकंड, 2 सेकंड या 9 बजे से पहले भी आ सकता हूं। तो देर इज इन एवरीथिंग देर इज अ अनसर्टेनिटी लाइन। अब ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है, तुम इतनी गलती तो करोगे, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पता नहीं किया जा सकता। मजे की बात। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर मिलने की वो पता कर सकते हो। मेरी बात को समझो, मैं कहां रहता हूं, मेरे घर या वेदांतों के ऑफिस, पर गारंटी नहीं है कि मैं आपको मेरे घर और वेदांतों के ऑफिस मिल जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर मेरे पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए हेजनबर्ग ने कहा भैया तुम इतनी गलती तो करोगे, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को पता नहीं कर सकते। आप क्या पता कर सकते हो? आप ये पता कर सकते हो कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहां है, और इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने वाली संभावना जिस जगह पर है उसी को उसने क्या नाम दिया? ऑर्बिटल। ये था हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता है कि भैया सब कुछ फिक्स नहीं है, तुम रुक जाओ थांबा। समझ में आ रहा है? तुम जो सोचते हो कि तुम भगवान हो गए, एवरीथिंग इज फिक्स, दैट इज नॉट फिक्स। तुम इतनी गलती करोगे, कैलकुलेशन तुम एग्जैक्ट कर ही नहीं सकते हो। मतलब कहता है इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजिशन और मोमेंटम का पता तुम कर ही नहीं सकते हो, और तुम लोग एच अपॉन 4 पाई के बराबर गलती करोगे। समझ में आ रहा है? तो देर इज इन एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अनसर्टेनिटी लाए। कहता है आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी का पता कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां सबसे ज्यादा है उनको ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे मेरे बैंगलोर में मेरे पाए जाने की संभावना कहां है? मेरा घर पे या फिर वेदांतों के ऑफिस, तो मेरे लिए वो ऑर्बिटल हो गए। बट गारंटी नहीं है कि मैं मिल जाऊंगा, मैं कहीं और गया हो सकता हूं। समझ में आ रहा है? मैं कहीं और जा सकता हूं। इज इट क्लियर? तो अब हम चलते हैं ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है? और ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऑर्बिटल्स आर दोज प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उनको ऑर्बिटल कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब हम चलते हैं आगे, क्वांटम नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हमारी बड़ी बड़ी सारी थ्योरी खत्म हो गई, अब मेन चीज आता है क्वांटम नंबर्स। नाउ क्वांटम नंबर, मेरी बात को सुनना, अगर आप मुझे पाना चाहते हो, मेरा पता करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना चाहते हो कि मैं कहां हूं, तो क्या करोगे? आप पता करोगे मेरा गली का नंबर। बैंगलोर रहते हैं तो सबको पता है एटम, बैंगलोर एक तरह का एटम हो गया, समझो। ये अगर आप, मैं मान लो इलेक्ट्रॉन हूं, ठीक है, आई एम इलेक्ट्रॉन, अगर आप मेरे पास पहुंचना चाहते हो तो क्या करना होगा? तो ये बैंगलोर हो गया, आप बैंगलोर आ गए। बैंगलोर आने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आपको क्या करना पड़ेगा? बैंगलोर में किस गली में रहता हूं ये पता करना पड़ेगा।
यानी कि आपको स्ट्रीट नंबर का पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, स्ट्रीट नंबर। अच्छा उस गली में कौन से घर में रहता हूं ये भी पता करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आपको हाउस नंबर पता करना पड़ेगा, ठीक है। उस घर में कौन से कमरे में सोता हूं ये पता करना पड़ेगा कि ये कमरा है, तो आपको रूम नंबर पता करना पड़ेगा, सही है। उस रूम नंबर में दो बेड लगे हुए हैं, अब ये रूम है, अब इस रूम नंबर पे दो बेड लगे हुए हैं, मान लो तुमने मेरी शक्ल कभी नहीं देखी है, तो मैं कौन से बेड पे सोता हूं, तो आपको बेड नंबर भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको चार चीजें चाहिए मेरे पास एग्जैक्ट मेरे सिर पे बैठने के लिए, चार चीज, मैं कौन सी गली में रहता हूं, मैं कौन से घर में रहता हूं, मैं कौन से रूम में रहता हूं, और मैं कौन से बेड पे सोता हूं। अगर आपको पता लग गया तो मेरे बेड पे आके तुम बैठ जाओगे, भैया यही है अरविंद अरोड़ा सर। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में कैसे बोलते हैं, देखो केमिस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रॉन का पता करने के लिए आपको चार चीजें चाहिए, एक तो स्ट्रीट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है हाउस नंबर जिसको बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है रूम नंबर जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है बेड नंबर, कौन से बेड पे सोया पड़ा है उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो चार क्वांटम नंबर होते हैं एन एल एम एस, ठीक है। सो ये चार क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये पूरा अगर आपको पता लग जाए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता कर सकते हो, बट गारंटी नहीं कि वो वहां मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। बस हाँ उसके सिराने पे जाके बैठ सकते हो, कभी तो आएगा सोने। तो मतलब ये है कि अगर आपको मेरा कोई स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, रूम नंबर, बेड नंबर बता दे तो मैं गारंटी नहीं बेड पे सोया मिलूंगा, मैं सुसु करने के लिए टॉयलेट पे भी जा सकता हूँ, मैं नहाने के लिए कहीं और भी जा सकता हूँ। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? तो अब बस आपको क्या करना है, उस बेड पे आके बैठ जाओ, मैं कभी ना कभी तो आऊंगा। सो मैक्सिमम पाए जाने की संभावना है वो, सिर्फ वी कैन ओनली चेक दी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट गारंटी नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हम लोग एड्रेस पता कर सकते हैं, एड्रेस को क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है। तो क्वांटम नंबर होते हैं चार, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। सबको पढ़ लो, पहला तो जो है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो बताता है कि भैया तुम्हारा शेल क्या है, इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, शेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक से शुरू होता है इसका नंबर, शेल नंबर वन, शेल नंबर टू, शेल नंबर थ्री, शेल नंबर फोर, इनको के एल एम से भी लिखते हैं, शेल के एल एम एन, समझ में आ गया। अब जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज होता है साइज भी बढ़ने लगता है और एनर्जी भी बढ़ती है, और एनर्जी का फॉर्मूला सेम है जो बोहर ने निकाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, -13.6 वाला याद है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। So, ये फॉर्मूला एज इट इज लगता है, ठीक है। अब आते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर पर। अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि सबशेल कौन सा इलेक्ट्रॉन का, मतलब स्ट्रीट पता लग गया, घर कौन सा है, ठीक है, सबशेल, सबशेल कौन सा है, इससे आपको पता लगता है कि भैया शेप क्या होगी। अगर आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तो आप शेप पता कर सकते हो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, शेल के अंदर सबशेल कैसे पता होता है, अगर मान लो कि फर्स्ट शेल है तो उसमें सबशेल होगा 1s, अगर सेकेंड शेल है तो सबशेल कितने होंगे 2s एन टू पी, अगर थर्ड शेल है तो सबशेल कितने होंगे 3s, 3p, 3d, ये सबशेल है। अब आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, अगर कोई s सबशेल की बात कर रहा है तो उसके लिए अजीमुथल नंबर होता है 0, अगर कोई p सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 1, d सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 2, f सबशेल की बात कर रहा है तो अजीमुथल नंबर होता है 3, समझ में आ गया। तो देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि उसमें सिर्फ 1s ही होता है, पहले ऑर्बिट में सिर्फ एक ही सबशेल होता है 1s, सब ऑर्बिट होता है 1s, तो l की वैल्यू कितनी हुई 0। दूसरे ऑर्बिट में टोटल दो सब ऑर्बिट होते हैं, कौन कौन सा 2s एंड 2p, तो l का वैल्यू कितना हुआ 0 एंड 1, 2s एंड 2p, तीसरे के अंदर तीन होते हैं 3s, 3p, 3d, तो l की वैल्यू कितनी होगी 0, 1, 2, क्योंकि s के लिए 0 लिखते हैं, p के लिए 1 लिखते हैं, d के लिए 2 लिखते हैं। अगर आपका शेल नंबर 4 है तो उसके अंदर टोटल सब शेल कितने होंगे 4s, 4p, 4d, 4f, यही होंगे। s के लिए 0 लिखते हो, p के लिए 1 लिखते हो, d के लिए 2 लिखते हो, f के लिए 3 लिखते हो, इस तरह से अजीमुथल क्वांटम नंबर यूज होते हैं। अब आ जाओ अजीमुथल क्वांटम नंबर की खास बात क्या है, 0 यानी कि s, 1 यानी कि अगर l की वैल्यू 0 है तो s की बात कर रहे हो, 1 है तो p की बात कर रहे हो, 2 है तो d की बात कर रहे हो, 3 है तो f की बात कर रहे हो, 4 है तो g की बात कर रहे हो। अब p सबशेल जो है ना आपके, देखो s सबशेल आपका स्फेरिकल होता है, गोल, एकदम अंडाकार,
पी सबशेल आपका कैसा होता है, ऐसा डंबल शेप, डी सबशेल आपका डबल डंबल शेप, और एफ सबशेल तो दिखाने लायक ही नहीं है, वो एकदम कंफ्यूजिंग सी स्ट्रक्चर होती है उसकी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं पी, ये आपका सबशेल है, तो पी के अंदर है ना टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये तो तुम पढ़े हो। पी के अंदर टोटल तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये तो तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। अच्छा पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, वन, सबको समझ में आया, वन। और वन के हिसाब से आप देखो आपके एम, एम की वैल्यू कितनी है, थ्री, यही तो होते हैं आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको किसको दिखाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। अगर एल का वैल्यू वन है तो एम का वैल्यू थ्री आना चाहिए, कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाओगे, तो एम का फॉर्मूला एल के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, टू एल प्लस वन, नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालोगे, 2l प्लस 1, और उनके नाम कैसे दोगे, m की वैल्यू नाम दी जाती है माइनस l से लेके प्लस l, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम देने का तरीका अलग होता है। पहली बात तो कितने हैं, फिर कौन से हैं, कितने हैं तो कितने का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, 2l प्लस 1, कौन से हैं तो उसका निकालने का तरीका क्या है, माइनस l से प्लस l। तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके पास L की वैल्यू है दो, तो आप किसकी बात कर रहे हो, L की वैल्यू दो किसके लिए होती है, S के लिए जीरो होती है, ये P के लिए वन होती है, D के लिए टू होती है। अब आपको भी पता है कि D के अंदर टोटल पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, जेड एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब आप बताओ कि क्या पांच कैसे निकालोगे, एम की वैल्यू कितनी होगी, टू एल प्लस वन, टू इंटू टू प्लस वन, कितना हो गया, पांच आ गया। अब वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे माइनस एल से प्लस एल, यानी कि माइनस दो से प्लस दो, ये उनके नाम होंगे, माइनस दो से प्लस दो उनके नाम होंगे, मतलब उनके नाम क्या होंगे, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो, ये पांच। बहुत बढ़िया चीज है जो बहुत आसान भी है, समझ में आया भाई। हर एल के लिए एम के वैल्यू कितने होंगे, टू एल प्लस वन, कौन से होंगे, माइनस एल से प्लस एल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखा गया है यहां पर, तो फॉर्मूला यूज किया गया है 2l प्लस 1, और कौन से होंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज किया है माइनस l से लेके प्लस l। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा अब आ जाओ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा प्लस हाफ, और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा माइनस हाफ। Is it clear to all of you? ये मतलब निकलता है, got it? Gotcha? Amazing. अब हम चलते हैं shape of orbital की तरफ। Orbital के shape कैसे होते हैं? देखो s जो orbital होता है वो spherical shape का होता है। p orbital में px x direction में dumbbell shape का बनाना है। py y direction में dumbbell shape का बनाना है। pz z direction में dumbbell shape का बनाना है। Dumbbell shape होता है। अच्छा d orbital कैसे होते हैं? अगर मैं बात करूं dxy की, तो ये x axis और y axis के बीच में आपको double dumbbell बनानी है। बीच में डबल डंबल। अगर एक्स जेड की बात करूं तो आपको एक्स एक्सिस और यहां पर जेड एक्सिस, ये देखो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में आपको डबल डंबल बनाने। अगर मैं बात करूं डी वाई जेड, तो आपको वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में डबल डंबल बनाने। अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बनेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनके ऊपर डबल डबल डंबल बनाने। अगर मैं बात करूं जेड स्क्वायर की, तो आपको जेड एक्सिस में एक डंबल और एक डंबल ऐसा घूमता हुआ, सुदर्शन चक्र के जैसा ऐसा, ठीक है। तो अब चलते हैं ऑफ बाउ रूल की तरफ। ऑफ बाउ रूल क्या होता है, देखो भैया ऑफ बाउ रूल जो है ना, देखो ऑब्वियसली यार, मान लो आपके घर पे किसी की शादी है, आपके घर पे किसी की शादी है, तो आप यार आपके आपने ना मल्टी स्टोरी घर ले रखा है, सपोज करो कि आप मल्टी स्टोरी घर ले रखा है, ऐसा है ना, ये घर पे किसी की शादी है, मल्टी स्टोरी घर ले रखा है शादी से, ये पहला पहला बिल्डिंग, पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट, ऐसे करके ऊपर तक बना हुआ है। अब पूरी शादी खत्म हो गई, पूरी शादी जब खत्म हो गई, तो आप खुद बताओ कि जो आपका पहला मेहमान होगा थका हरा होने के बाद, वो कहाँ पे जाके रुकना पसंद करेगा? पहले तो वो ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरे खाली हैं वो रुक जाएंगे। मान लो ग्राउंड फ्लोर, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने ऐसा, वो इसलिए किया क्योंकि उनके पास अब एनर्जी नहीं है, तो जिसकी लोएस्ट एनर्जी है उसमें जाके रुकेंगे। मान लो ग्राउंड फ्लोर पूरा भर गया, तो अब जो मेहमान आएंगे वो कहां रुकेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पूरा भर गया तो मेहमान आएंगे कहां रुकेंगे, सेकंड फ्लोर पे।
तो मतलब क्या हुआ, ओबाउ ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका क्या है, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ में आ गया? सिंपल, लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दैट्स इट। और इसके लिए आप एन प्लस एल रूल का फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होती है, ठीक है, लो है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। मान लो एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, इन दैट केस आप एन की वैल्यू से कंपेरिजन करते हो। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो आपके पास दिया हुआ है 3s एंड दिया हुआ है 2p। अगर मैं बोलूं कि 3s के लिए n का वैल्यू कितना है, तो 3, l का वैल्यू कितना है, 0, 2p के लिए n का वैल्यू कितना है, 2, l का वैल्यू कितना है, 1। टोटल करो, 3 प्लस 0 कितना होता है, 3, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। दोनों के नंबर सेम आ गए, n प्लस l का जो टोटल किया वो सेम आ रहा है। इन दैट केस n की वैल्यू जिसकी कम है उसका एनर्जी कम होगा। n की वैल्यू कम किसकी है, ये रहा भाई साहब, तो इसका मतलब 2p की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू 3s। ये प्रूव हो गया। उसके अलावा उसने अपने खुद का एक ओबाउ रूल भी दिया। वो कहता है कि सबसे पहले सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, फिर 2s का नंबर आता है, ऐसे करके चलना है आपको। यूं 2s, फिर आता है 2p 3s, फिर आता है 3p 4s, फिर आता है 3d 4p 5s। इसको याद करने का तरीका मैंने बहुत बार बताया हुआ है, इसी को ओबाउ रूल कहते हैं। अब आते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली भाई साहब ये कहते हैं कि भैया देखो, किसी भी एटम में ना दो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तीन सेम होते हैं लेकिन चारों सेम नहीं हो सकते। उस दो इलेक्ट्रॉन का एन एन सेम हो सकता है, एल सेम हो सकता है, एम सेम हो सकता है, लेकिन एस की वैल्यू तो डिफरेंट होगी ही होगी। समझो, मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम्हारे घर में दो लोग रहते, तुम दो भाई हो, मैं अगर पूछूं कि ये दोनों भाइयों का एड्रेस सेम है, क्या वो सेम स्ट्रीट में रहते हैं, स्ट्रीट सेम होगी, होम सेम है, हाँ, रूम सेम है, हाँ, लेकिन क्या एक ही बेड पे सोते हो, क्या चल रहा है ये, बेड तो अलग अलग देंगे ना बापूजी, तो बेड अलग अलग दे रहे हैं, इसका मतलब उनका क्या, स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो गया, माता लाडला बिगड़ गया वो नहीं है, तो माता लाडला बिगड़ा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की दुनिया में दो बच्चों को अलग अलग बेड दिए जाते हैं। तो ये कहता है कि भैया ऐसा है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, अजीमुथल सेम हो सकता है, मैग्नेटिक सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर तो अलग होगा ही होगा। तो पाउली ये कहता है कि किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन की क्या नहीं सेम हो सकती, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक का प्लस हाफ होएगा तो दूसरे का माइनस हाफ होएगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये तय है। मादा लाडला बिगड़ता नहीं है इत्थे। समझ में आया? तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। पाउली का मतलब ये है कि पाउली ये भी बात बोलता है कि कोई भी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता किसी एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज तो आएगी नहीं। समझ में आ गया? इसको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। अब आता है हुंड रूल। हुंड रूल भी बहुत स्पेशल था। हुंड भाई साहब क्या कहते हैं, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका होता है, ऐसे थोड़ी तुम कुछ भी भरते जाओगे। वो ये कहता है कि अगर मान लो कि अगर बात करें पी की, तो पी सबशेल में पी तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो एक इसको दोगे तो फिर ऐसा नहीं कि दूसरा इसी को दे दोगे, दूसरा यहां भरोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ताकि कोई नाराज नहीं हो जाए, तीसरा यहां भरोगे। भाई ये ऐसा ही है, आप मान लो आपके घर पे शादी है, समझ में आता है, और मैं कहता हूं कि पहले फ्लोर पे तीन कमरे हैं और आपने बोला कि हर एक कमरे में दो लोग रुक सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल चीज है। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, केमिस्ट्री में चीज बड़ी प्रैक्टिकल है। मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे शादी है और आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले ली, और पहले जो पहला वाला ग्राउंड फ्लोर है उसमें तीन कमरे हैं, और ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हर एक कमरे में दो लोग रुक सकते हैं, तो अगर कोई पहला आदमी आया तो वो क्या ट्राई करेगा? क्योंकि पहला आदमी आ रहा है तो वो ये ट्राई करेगा कि भैया चलो पहला रूम ले लो, तो वो आ जाएगा। अगर दूसरा आदमी आया, मेंटेलिटी देख रहा, अगर दूसरा आदमी आया क्या वो गेट खोलने की कोशिश करेगा? हाँ, खोल के देखेगा, पर जब उसको पता लगा कि वहां पर कच्चे बनियान टंग रहे हैं, पहले से कोई आदमी है, तो क्या वो उस रूम में रुकेगा? नहीं, वो दूसरे रूम में जाएगा, वहां पर जाके रुकेगा। सही बात है? तो यार रुक गया। अब मान लो कोई तीसरा आदमी आया, उसने पहले वाले रूम में जाके झांक के देखा, उसको दिखा भाई कच्चे बनियान सूख रहे हैं यहां, तो आदमी रुका हुआ है। दूसरे वाले में गया, उसमें भी कच्चे बनियान सूख रहे थे तो उसमें भी रुका हुआ है। जब तीसरे वाले में गया तो वो साफ सुथरा लगा, तो यहां रुक गया। तो बेसिकली यहां पर हुंड रूल फॉलो हो रहा है। हुंड यही तो कहता है कि भाई जब एनर्जी सेम है, दो कदम चल के आगे वाले रूम में रुक जाते हैं, क्योंकि एक एक आदमी तो रुक ही सकता है,
अब अगर चौथा आदमी आएगा तो ही हैज नो चॉइस, वो पहले कमरे में जाएगा कच्चे बनियान सूख रहे, दूसरे कमरे में जाएगा कच्चे बनियान सूख रहे, तीसरे कमरे जाएगा कच्चे बनियान सूख रहे, तो कहेगा छोड़ो रे यार तीनों में कच्चे बनियान सूख रहे हैं, एक कच्चा एक बनियान सूख रहा है इसका मतलब दूसरा कच्चा दूसरा बनियान तो नहीं सूख रहा, इसका मतलब इसमें एक एक आदमी है, तो कहेगा चलो यहीं पर अपना बैग पसार देते, तो फिर वो यहां रुकेगा। अब वो कहीं भी रुक सकता है, आपकी मर्जी है, बट वो ये हुंड यही कहता है कि पेयरिंग आप तभी करोगे जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। तो मैं प्रैक्टिकलिटी पे बहुत बिलीव करता हूँ, तो ये जो फंडे हैं वो कहीं मिलेंगे नहीं आपको यूट्यूब पे, वो हमारे यहीं मिलेंगे स्पेशल अरविंद अरोड़ा की क्लास में, समझ में आ गया। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है और आपको भी पता है कि ऐसा होता है, जाओ कभी शादियों में गए नहीं हो क्या तुम लोग, जाओ तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, तो इसको हुंड रूल बोलते हैं। हुंड रूल ये कहता है कि भैया कमरे भरने के तरीके होते हैं, पहले जब तीनों को एक एक दे दोगे तब आएगा कोई दूसरा, अदरवाइज नहीं भरोगे, इसको हुंड रूल कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अच्छा उसी के हिसाब से स्टेबिलिटी की बात भी कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो अगर कोई चार इलेक्ट्रॉन वाला दिख रहा है और अगर आप पॉसिबिलिटी बनती है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देख के उसको क्या करो, हाफ फिल्ड कर दो और साथ में उसको ज्यादा स्टेबल कर दो। इज इट क्लियर? तो ये तरीके होते हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ ये कहाँ पर रूल लागू होता है। तो अब इस हिसाब से अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको दो ही केस कराऊंगा, एक तो क्रोमियम का और एक कॉपर का। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब कैसे भरोगे, 24 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले किसका नंबर आएगा, पहले अपन क्या लगाएंगे, ऑफ बाउ रूल, 1s में दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। अच्छा s में दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन और f में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हमें 24 भरने, पहले 1s का नंबर आएगा दो भर दिए, फिर किसका नंबर आएगा ऑफ बाउ के हिसाब से 2s का दो भर दिए, फिर किसका नंबर आएगा, सॉरी 2p का, 2p का फिर कितने भरे आपने 6, क्योंकि p में आप 6 भर सकते हो। फिर किसका नंबर आएगा 3s का, कितने भरोगे 2, फिर किसका नंबर आएगा 3p का, कितने भरोगे 6। अब देखो कितने हो गए, 6, 10, 18 हो गए। फिर आता है क्या 3d का नंबर, नहीं, आप जाके चेक करो 3d का नंबर नहीं आता, 4s का नंबर आता है एनर्जी के हिसाब से। ओ बाव का रूल निकाल लो, पीछे चलते हैं, ये ओ बाव का रूल है, जरा आप चेक करो, देखो आप जरा ध्यान से, ये देखो 2p के बाद किसका नंबर आ रहा है 3s, 3s के बाद 3p का, 3p के बाद का 3d का नंबर आ रहा है, नहीं 4s का नंबर आ रहा है। तो एनर्जी आप लिखोगे सीक्वेंस में ही, ठीक है, 3p के बाद मैंने 3d लिखा है और फिर 4s लिखा है, लेकिन मैं पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरूंगा, 4s में, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा 2, फिर कितने बच गए 18 और 2 20 हो गए, 4 बच गए, मैंने 4 यहां भरे। भरने का तरीका देखो, स्मार्टनेस इसी को बोलते हैं, आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना, बस जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, बात खत्म। मैंने पहले 4s में भरे फिर आया मैं 3d में, तो बाहर जाके अंदर आना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि पहले बाहर जाते हैं क्रोमियम फिर अंदर आते हैं, ये सब बहुतों के साथ होता है। पर यहां पर सीन क्या, देखो 3d के अंदर 4 है, तो आपकी स्टेबिलिटी के लिए एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को यहां पर डाल दिया गया ताकि ये कॉन्फिग्रेशन ठीक हो जाए। तो यहां से यहां तक तो ठीक था, 3d के अंदर 5 कर दिए गए ताकि हाफ फिल्ड हो जाए और 4s में एक ही रह गया। तो ये आपकी अपडेटेड एकदम करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम के केस में, 3d5 4s1, ठीक है। कॉपर पर आते हैं, 29 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले किसमें भरोगे 1s2, फिर किसमें भरोगे 2s2, फिर किसमें भरोगे 2p6, फिर किसमें भरोगे 3s2, फिर किसमें भरोगे 3p6, फिर आएगा 3d का नंबर, फिर आएगा 4s का नंबर, मतलब 3d लिखा जाता है फिर 4s लिखा जाता है, बट 4s की एनर्जी कम है तो मैं वहां 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। अभी कितने हो गए जरा बताओ मुझे, 18 और 2 20 हो गए, लास्ट में 9 यहां भरे। अरे 9 क्यों भर रहे हो, एक भर दो यहां से उठा के, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचता है 3d10 एंड 4s1। इस तरह से कॉपर को लिखा जाता है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट आता है 3d10 एंड 4s1, क्रोमियम में आता है 3d5 एंड 4s1। क्यों किया, क्योंकि हाफ फुल्ड फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये तरीका है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारी चीजें सीखे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा अभी, आई थिंक क्लियर हो गया हो तो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मजा आया ना सब लोगों को? अगर मजा आया हो तो देखो दिल खुला रख के लाइक जरूर करना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, देखो 1200 लाइक आ गए हैं अभी तक, दैट्स रियली ऑसम। तो दिल खुला रख के लाइक जरूर करो, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं और आप दिल खुला करके लाइक ही नहीं करते तो मजा नहीं आता। कितनी सारी चीजें मैंने आपको सिखाई, आपने जरा सोचा, आपने कच्चा बनियान कभी सुना था, ऐसा एग्जाम्पल सुना कभी आपने, कभी इस तरह से कभी हुंड रूल सुने हो, कभी ओबाव रूल सुने हो, पावली रूल सुने हो, कोई नहीं बताएगा आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग वे से मैंने आपको चीज़ें बताई, मैंने आपको समझाया कि चीज़ें कैसे होती है, क्या होता है, क्यों होता है। फाइनली गाइस आपको समझ में आया होगा, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम भाई खत्म हो गया है, इसको आप शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। ये मैडम ये कह रहे हैं मैं बाइक कहकर जा रही हूँ, लेकिन लाइक जरूर करो अरविंद अरोड़ा सर के लिए, 2 सेशन लिए हैं, अमेजिंग सेशन है, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब आप लाइक करोगे बच्चों, तो लाइक जरूर करो, दिल बड़ा रख के लाइक जरूर कर देना लाइक।